खबर समस्तीपुर जिले से है, जहां पूसा प्रखंड के सैदपुर पुल पर जिले के साथ साथ अन्य जिला के वाहन सेट साउंड से जुड़े हुए लोग सरकार के साउंड प्रतिबंध को लेकर आक्रोश सामने आना शुरू हो गया है। देश में लगातार कोविड 19 को लेकर लॉकडाउन विभिन्न राज्यों में परिस्थिति के अनुसार प्रभावी रहा है। इसी बीच कोरोना के कहर को देखते हुए बिहार सरकार ने इस वर्ष शादी विवाह में डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप सभी को बता दूं कि विवाह उपनयन संस्कारों में संगीत की प्रधानता और रिवाज हमेशा से रहा। इसी को देखते हुए वाहन सेट साउंड जीविका संघ से जुड़े हुए संगठन के लोगों ने प्रदेश कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार के नेतृत्व में सैदपुर पुल पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सरकार के द्वारा प्रतिबंध पर रोष प्रकट किया। प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार सहनी आग्रह किया है कि जिस तरह अनलॉक के बाद चीजों को देखते हुए छूट दी गई है, उसी तरह साल का शादी का अंतिम महीना चल रहा है, इसमें साउंड बाजा बजाने का भी आदेश दिया जाए ताकि वाहन सेट साउंड से जुड़े हुए लोगों को दयनीय स्थिति से बचाया जा सके, क्योंकि साल भर इनके परिवार इसी पर निर्भर रहते हैं। खासकर विवाह में वाहन सेट साउंड का चलन अभी जोरों पर है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी व्यवसाय पर लॉकडाउन का व्यापक असर पड़ा है। प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत राय ने कहा, लगभग पूरे बिहार में वाहन सेट साउंड जीविका से जुड़े लोग लगभग 1 लाख से भी ऊपर परिवार का भरण पोषण बाजा साउंड से होता है, लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण परिवार की स्थिति बिगड़ गई है। बाजा और साउंड से जुड़े लोग साल भर परिवार की भरण पोषण के साथ साथ वाहन की परमिट इंश्योरेंस सहित साउंड की फिटनेस के ऊपर खर्च किया जाता था और परिवार के बच्चे की पढ़ाई इसी से पैसे से होती थी। प्रदेश सचिव विजय कुमार ने कहा कि सरकार के द्वारा पूर्ण रूपेण शादी पर प्रतिबंध नहीं लगा, लेकिन डीजे साउंड पर प्रतिबंध लगाकर सरकार ने इन सभी परिवारों को बेसहारा कर दिया। मौके पर कार्यालय प्रभारी नवल किशोर राय, अशोक कुमार, संजय कुमार, समरीत कुमार, सूरज कुमार आदि ने भाग लिया। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से क्या मांग चाहते हैं? देखिए, हम लोग वाहन सेट साउंड जीविका संघ से एक संघ बनाए हुए हैं। हम लोग का साउंड संबंधित एक जीविका है जो कि हम लोग मेहनत की कमाई खाते हैं, और सरकार से हम यही आग्रह करते हैं, सरकार की जो कोरोना काल की प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए हम सरकार से यही विनती करेंगे कि जो हम लोग का जो है से जीवन यापन जो इस साउंड संबंधी से जुड़ा हुआ है, इनको जो है से हम लोग चार आदमी से जा कर के साउंड संबंधी जो प्रोग्राम होता है वो करते हैं, तो सरकार को ये चार आदमी का अलाव दिया जाए। सरकार से क्या मांग चाहते हैं? हम बिहार सरकार से यही मांग चाहते हैं कि जितने भी वाहन से संघ जीविका संघ से जुड़े हुए हैं, इनमें जो है से सरकार के प्रतिबद्ध हम लोग समय सीमा को देखते हुए हमें जो है सो जो समय पहले मिला था उस समय से मान 1 बजे से लेकर के 11 बजे रात्रि तक शादी ब्याह के उत्सव पर हम लोग जो है सो डीजे बजाते हैं, पिकअप सेट साउंड चलाते हैं, और इस पर जो है सो हम लोग को क्या ये लॉकडाउन से आप क्या स्थिति है? हम लोग के दैनिक हालत बिगड़ी हुई है, पारिवारिक स्थिति ठीक ठाक नहीं चल रही है, घर में जो है सो बहुत बड़ी परेशानी से हम लोग जूझ रहे हैं। का क्या मांग है सरकार से? हमारी सरकार से मांग यह है कि जिस तरह शादी विवाह में 20 लोगों को अनुमति मिला है, उसी तरह हम लोगों को भी 4 आदमी को साउंड बजाने का अनुमति दी जाए। साउंड नहीं चलने से हम लोगों के परिवार की दैनिक स्थिति बहुत ही खराब है, जो कि 2019 में भी यही दशा रहा और 20 में भी यही रहा और 21 में तो जा ही रहा। की स्थिति है और क्या ये लॉकडाउन से आप लोग प्रभावित हैं? 2 साल से पिछले साल भी यही हाल हुआ, लगन के महीने में लॉकडाउन लगा, वही मेरा धंधा है उसी से कमाते खाते हैं, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं, इस साल भी वही व्यवस्था है, कर्ज पैंच लिए हुए हैं। घर का दयनीय स्थिति है क्या? भुखमरी कागार पर पड़े हुए हैं। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? रंजीत राय। सर, मेरी यही मांग है कि हम विकलांग आदमी हैं और इसी से मेरा रोजी रोटी चलता था, और इसको अगर मतलब अनुमति दिया जाए इसी से मेरा सब भरण पोषण होता है। क्या नाम हुआ सर आपका? नवल किशोर राय है। और क्या चाहते हैं सरकार से? सर, मेरी मांग यही है, हम हॉट स्टार से बोल रहे हैं, समृद्ध बोल रहे हैं, ठीक है जी। हमारे मांग यही है जो हम लोग सीजन में मतलब पैसा लगाते हैं और शादी समारोह मतलब जब शुरू होता है तो शादी के समारोह के बाद 2-3 मतलब चलने के बाद ये होता है जो मतलब बंद कर दिया जाता है। हम लोग रोड पर मतलब जब पूरी फंसा है मतलब रोड पर बैठे हुए, हम लोग खाएंगे क्या? घर का क्या स्थिति है? सर, स्थिति ऐसा है जो हम लोग का खाने पर आफत पड़ा हुआ है, हम लोग यही बाजार में पैसा वो लगाए हुए हैं और मतलब यही चीज़ बंद कर देंगे कहाँ जाएंगे, कहाँ हम लोगों को यही रोजगार है ना। क्या नाम हुआ सर आपका? सर, मेरा नाम समृद्ध हुआ। R9 भारत के लिए
रत्न शंकर भारद्वाज की रिपोर्ट समस्तीपुर से।